Dr. Gulshan, Dr. Prachi, Dr. Monica, who is with me, I extend my welcome along with three of you, तुम तीनों के तरफ से और मेरे तरफ से, प्रोफेसर बेहरा की तरफ से, सभी जो प्रतिभागी हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जहां तक प्रोग्राम के ओवरव्यू का सवाल है, इसमें हमने ई कंटेंट डेवलपमेंट, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट्स इस कार्यशाला का टाइटल है, और आपको ई कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी। केवल ये एक थ्योरी नहीं वाला सेशन नहीं होंगे, वाली टाइप की जो दवाई है, बल्कि आप लोगों को कैसे निर्माण करते हैं ई कंटेंट्स का, डिजिटल रिसोर्सेज का, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ आपको हैंड्स ऑन के लिए भी टाइम दिया जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकें। प्रैक्टिस करना तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये नहीं कि एक डेढ़ घंटे के सेशन में आधा घंटा डेमो दिया, आधा घंटा उसके बारे में बताया और आधा घंटा आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करी तो आप पारंगत हो जाएंगे। इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि जितनी ज्यादा हम चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन और लर्निंग आपको दे पाए, दें, फिर अपनी रुचि के हिसाब से आप आगे उन टूल्स का, सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करते हुए निर्माण कर सकते हैं डिजिटल कंटेंट का। क्योंकि जहां तक हमारी नई शिक्षा नीति का सवाल है, उसमें टीचर ट्रेनिंग और क्वालिटी कंटेंट का निर्माण और उसका डिसेमिनेशन एक बहुत बड़ी आवश्यकता के रूप में उभर कर सामने आया है। रीसेंट जो पेंडेमिक था, उससे ये बात भी स्पष्ट हो गई कि कभी भी ऐसी जब आपात स्थिति आती है तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल एक ब्लॉक ना हो जाए, एक उसमें रुकावट ना आ जाए, इसके लिए हमें ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के लिए एक रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस, एक तैयारी हमारे लिए होना आवश्यक है। आपातकालीन स्थिति के अलावा भी जो डिजिटल एजुकेशन है या डिजिटल पेडागोजीज हैं, उनके माध्यम से हम अपने शिक्षण अधिगम को और अधिक रुचिकर और शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए इंगेजिंग बना सकते हैं, जिससे वो रुचि लेके एक इंगेजमेंट के साथ जो भी चीजें हम उन्हें पढ़ाते हैं उनको इस तरीके से सीखें कि जो उनके लर्निंग आउटकम्स हैं वो लास्टिंग हो, उसको अचीव कर पाए। हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि हमारे छात्र लर्निंग आउटकम्स में पारंगत हों। क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी विटनेस किया है देश ने, कि जब लर्निंग आउटकम के असेसमेंट की बात आती है किसी अंतरराष्ट्रीय टेस्ट के माध्यम से, टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से, पीसा टेस्ट इसका एक उदाहरण है, या जो अचीवमेंट सर्वेज भी हम करते हैं, तो खास करके प्राथमिक स्तर पर काफी शर्मनाक स्थिति हो जाती है लर्निंग आउटकम के अचीवमेंट के बारे में। तो इसीलिए हमें डिजिटल पेडागोजीज को भी एक्सप्लोर करना है, जिनके माध्यम से हम लर्निंग आउटकम्स के अचीवमेंट को सुनिश्चित कर सके, और साथ ही साथ जो हमारे मेथड्स हैं, जो हमने सीखे हैं अपने ट्रेनिंग के दौरान, जब हम खुद ट्रेनिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो रिडेंडेंट मेथडोलॉजीज हैं, वो मेथडोलॉजीज भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सटीक मेथडोलॉजीज हैं, पर क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रेस्क्यू है ये हमें पिछले दिनों पेंडेमिक के दौरान पता चला, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। जैसा कि मैंने अभी बताया ही था कि क्वालिटी ई कंटेंट डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी आवश्यकता के रूप में हमारे आगे उभर कर आया है। अगर हम डिजिटल पेडागोजीज पे स्विच ओवर करते हैं, शिफ्ट करते हैं या उनको अपनाते हैं, तो हमें क्वालिटी डिजिटल कंटेंट के बिना ये संभव नहीं है। क्वालिटी डिजिटल कंटेंट डेवलप करने के साथ साथ जो भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जो चीज है,
कि हम एक या दो भाषाओं को बोलने वाला देश नहीं है। 22 भाषाएं तो हमारे संविधान की 8वीं सूची में दर्ज हैं, और इसके अलावा न जाने कितनी ही भाषाएं और बोलियां हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। जो मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से 1500 से ऊपर बोलियां और भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। तो विविध भाषाओं में भी हमें डिजिटल कंटेंट का निर्माण करना है। ये कार्यशाला का उद्देश्य स्टेट्स और यूटीज को सपोर्ट करना है। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई नेशनल लेवल पे कोई ऐसा एजेंडा है जिसके तहत हम ये कार्यशाला कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बल्कि जैसा कि आप सबको पता है, दीक्षा एक वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में इसको देखा जा रहा है देश भर में, और अभी ये डिजिटल पब्लिक गुड की श्रेणी में भी आ गया है, और बहुत सारे विदेशों से भी ये डिमांड आ रही है कि हम दीक्षा जैसा एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म निर्माण करने में उनका सपोर्ट करें। तो इस तरफ भी कार्य चल रहे हैं, और ये भी आप सबको विदित है कि ये जो प्लेटफॉर्म है दीक्षा, ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको कि सेंटर कंट्रोल कर रहा है, बल्कि एक फेडरेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी स्टेट और यूटीज भी टेनेंट हैं, और अपने अपने टेनेंट पे आप सबको ये स्वतंत्रता है कि आप लोग जिस तरीके से भी अपना टेनेंट का आपको प्रयोग करना है वो आप कर सकें। आप अपने कस्टमाइज कोर्सेज भी डाल सकते हैं एज अ टेनेंट ऑफ दीक्षा, जो आपके स्टेट के लिए की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसके अलावा जो आपके स्टेट की विशेष भाषा है उस भाषा में डिजिटल कंटेंट का निर्माण करके डिजिटल कंटेंट भी डाल सकते हैं। जो भी राज्य की पुस्तकें हैं उनको एनर्जाइज करके उनके साथ भी डिजिटल कंटेंट लिंक करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे लिए, क्योंकि अभी भी ऐसे स्टेट्स और यूटीज हैं जिन्होंने क्यूआर कोडेड पुस्तकें तो डाल दी हैं अपने टेनेंट पे, लेकिन उनको क्यूआर खाली हैं, अभी उनके ऊपर कोई कंटेंट लिंक्ड नहीं है उनके साथ। तो वो ट्रू सेंस में अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो पुस्तकें एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स हैं, बिकॉज कंटेंट उनके साथ लिंक नहीं किया गया है। तो ये कुछ ऐसे ऐसी जरूरतें हैं जिनके लिए डिजिटल कंटेंट निर्माण करने की प्रक्रिया को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये आउटसोर्स के माध्यम से भी डिजिटल कंटेंट का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन हमारी नजरों में और शायद आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि डिजिटल कंटेंट को जिस तरीके से एक शिक्षक देख सकता है, उसको स्ट्रक्चर कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, कोई भी प्राइवेट पार्टनर उतनी सफलता के साथ उतनी प्रवीणता के साथ ये नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेंट का नॉलेज में हम शिक्षकों के ऊपर निर्भर करते हैं। जो इतने सारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, उस पे जो प्री लोडेड कंटेंट होता है, हमें नहीं पता उनकी गुणवत्ता पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं। वो देखने में खूबसूरत लग सकते हैं, अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। तो इसीलिए सबसे अच्छे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो शिक्षक हो सकते हैं। हो सकता है कि अट्रैक्शन के मामले में, कि अट्रैक्टिव कितना कोई कंटेंट है उसमें वो उनका कंटेंट 19 हो सकता है, लेकिन जहां तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेक्टनेस की बात है, एक शिक्षक के जितना अच्छा कंटेंट कोई भी निर्माण नहीं कर सकता है। तो इन्हीं कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हैं, और जब आउटसोर्स भी हम करते हैं, शिक्षकों को अगर प्रक्रिया पता है डिजिटल कंटेंट निर्माण करने की, उनको ये पता है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, एक अच्छा स्टोरी बोर्ड कैसा होना चाहिए, जब ये बातें उन्हें पता है तो आउटसोर्सिंग भी उनके कंट्रोल में है। हम आउटसोर्स तो कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस एजेंसी को हमने कंटेंट निर्माण करने के लिए आउटसोर्स किया है, वो सही स्क्रिप्ट बना के उसका निर्माण कर रही है या नहीं कर रही, उसमें कंटेंट की करेक्टनेस का वो ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं।
तो ये सब बातें फिर शिक्षकों का कंट्रोल हो सकता है, बिकॉज दे नो देयर कंटेंट दी बेस्ट, उनसे अच्छा कोई कंटेंट को नहीं जानता है। और एक बार उनकी डिजिटल कंटेंट निर्माण में जब ट्रेनिंग हो जाती है, तो इन अ कंट्रोल्ड मैनर वो आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, ना कि एक डिपेंडेंसी उनकी किसी एजेंसी पे रहे कि जो उन्होंने आपको दे दिया बना के वो आपकी मजबूरी है उसको लेना और उसको अपनी किताबों से लिंक करना और उनको अपने पोर्टल्स पे डालना। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, और इस कार्यशाला को आप इसी रूप में लीजिए। तो आज का दिन ज्यादातर मैं ही आप लोगों के साथ रहूंगी, क्योंकि हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर बेहरा भी कहीं बिजी हैं। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा शेड्यूल में, आज के दिन उनका प्रेजेंटेशन है आईसीटी इनिशिएटिव। इससे आप लोगों को एक ओवरव्यू पता चलेगा कि हम क्या, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो संदर्भ क्या है जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हो रहे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने अंदर वो सामर्थ्य राज्य स्तर पर, केंद्र शासित जो राज्य हैं उनके स्तर पर विकसित करनी है, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज और किस कॉन्टेक्स्ट में हमें काम करना है। ये प्रेजेंटेशन से आपको एक उन सब का ओवरव्यू मिलेगा। NEP 2020 के क्या मुख्य मुद्दे हैं, सरोकार हैं, जिनके तरफ हम सबको मिलके कार्य करना है, उससे आपको ये जानकारी भी मिलेगी। उसके बाद सेशन 2 जो आज का होगा, वो उसमें आपको कितने भिन्न भिन्न प्रकार के डिजिटल कंटेंट हो सकते हैं उसका एक हम ओवरव्यू और ओरिएंटेशन देंगे, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ क्या क्या कितनी वैरायटी है, कितने प्रकार हैं डिजिटल कंटेंट के, कितने फॉर्म्स हैं, तो वो जानकारी होगी। और उसमें हम विस्तार से आपको बताएंगे और डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज का, ताकि आपको ये पता चले कि क्या वैरायटी है जब हम ई कंटेंट या डिजिटल कंटेंट की बात करते हैं। फिर एक सेशन आपको लिए होगा एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज का, जिसमें आपको बताया जाएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम में जो बच्चा है वो तो नहीं, पर एक दिव्यांग बच्चे भी हमारी जिम्मेदारी है, अगर उनके लिए हम कंटेंट निर्माण कर रहे हैं तो कैसे वो कंटेंट यूडीएल बेस्ड हो सकता है और किस तरीके से हम कंटेंट का निर्माण करें कि वो कंटेंट सबके लिए एक्सेसिबल हो, दिव्यांग छात्र भी उससे लाभ उठा पाए। उसके बाद स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक का सफर क्या होता है, वो आपको एक ओरिएंटेशन दिया जाएगा। तो पहले दिन थोड़े से थ्योरेटिकल सेशन है, बट आपको डेमोन्स्ट्रेशन हर सेशन में मिलेंगे, ताकि आपके लिए सेशन मोनोटोनस उबाऊ ना हो। तो डिजिटल जो कंटेंट है या स्क्रिप्ट है वो किस तरह से बनाते हैं और उसका एंड प्रोडक्ट ताकि उस रूप में आए जिस रूप में हमने उसको अपने दिमाग में सोचा है, जिस रूप में हमने उसको को अपने लिए ग्रहण किया है या डिजाइन किया है कि हमें ये आउटपुट चाहिए, पर उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो ये सारे सेशन पहले दिन के लिए महत्वपूर्ण सेशन है, इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आपके आगे के सेशन होंगे। अगर आप फॉर्म्स ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज में आपको एक कॉमिक स्ट्रिप बनाना बताया जा रहा है, इन्फोग्राफिक बनाना बताया, एक टाइप ऑफ रिसोर्स बताया जा रहा है, एनिमेशन एक टाइप ऑफ रिसोर्स बताया जा रहा है, इमेजेस एक टाइप ऑफ रिसोर्स बताया जा रहा है, तो उन उनका निर्माण हमें कैसे करना है, वीडियो एक टाइप का रिसोर्स है, ऑडियो एक टाइप का रिसोर्स है, इंटरैक्टिव गेमिफाइड कंटेंट एक तरह का रिसोर्स है, तो ये कैसे बनते हैं, ये कल से ये सारे सेशंस आपके शुरू हो जाएंगे। उन सभी टूल्स और सॉफ्टवेयर्स का डेमो दिया जाएगा, जिससे कि आप एक इन्फोग्राफिक बना पाए, आप एक ऑडियो एडिटिंग कर सकें, आप वीडियो एडिटिंग कर सकें, आप एक स्क्रिप्ट लिख सकें, आप मोबाइल पर भी ऐसे टूल उपलब्ध हैं जिससे आप छोटे छोटे एनिमेशंस बना सकते हैं। तो एक सेशन हमने आपको ऐसे भी रखा है जिसमें आपको वैरायटी ऑफ एनिमेशन रिसोर्सेज और
उनके निर्माण के लिए कैसे आप मोबाइल बेस्ड टूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसके अलावा जब हम डिजिटल पेडागोजीज की बात करते हैं तो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी भी एक महत्वपूर्ण जो सरोकार है कि हमारे बच्चे क्योंकि वो डिजिटल नेटिव हैं, इस तकनीक की दुनिया में ही पैदा हुए हैं, हमने तो माइग्रेशन किया है तकनीक पे। जब हम छोटे थे तो उस समय तकनीक का प्रचलन, खास करके डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रचलन इस तरह से नहीं था जैसा कि आज है। हमारे बच्चे क्योंकि उसके साथ ही पैदा होते हैं, पैदा होते ही उनको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी होता है, तो टेक्नोलॉजी के प्रयोग में, उसको हैंडल करने में वो कॉन्फिडेंट तो है हमसे ज्यादा, लेकिन उसको एक विवेकपूर्ण तरीके से हमें कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, ये गाइडेंस हम बड़ों को उन्हें देनी है। तो इसके लिए एक सेशन साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी हमने रखा है। इसके अतिरिक्त आईसीटी टेक्नोलॉजी कंटेंट इंटीग्रेशन किस तरीके से होता है, कि हम अगर एक पेडागोजिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो क्या है, हमें कैसे करना चाहिए, उसके उसकी क्या बारीकियां हैं, इसके ऊपर एक सेशन रखा गया है आप लोगों का, ताकि ये एक पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके लिए बिल्ड हो सके। कितने प्रकार के कॉन्टेंट होते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्टोरी बोर्डिंग कैसे करते हैं, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक्सेसिबल रिसोर्सेस हमें कैसे निर्माण करने हैं, से लेकर उन सारे टूल सॉफ्टवेयर्स का डेमोन्स्ट्रेशन, साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी, और कैसे अपने पेडागोजिकल प्लान में हम डिजिटल कॉन्टेंट इंटीग्रेट करें। फिर भी अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो कार्यक्रम के अंत में, लास्ट डे में, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपके सुझावों का स्वागत है, ताकि ये हमारा रेगुलर फीचर है। आज हम हर स्टेट से 20-20, 25-25 लोग ट्रेन कर रहे हैं, तो अगले साल नए 25 लोगों को हम ट्रेन करेंगे, तो आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप जरूर सुझाव दें। हालांकि ये रेगुलर फीचर है हमारा, हम कई वर्षों से ये एसआरजी ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, और सुझाव जो भी हमें मिले उसके हिसाब से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के डिजाइन को हम लोगों ने इवॉल्व किया है। और मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ कि 5 दिन में आप लोग पारंगत हो जाएंगे, 5 दिन के बाद आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना इन चीजों से लर्न करते हैं वो, और एक आपको है कि स्टेट का आपको एक्शन प्लान भी बनाना है अपने अपने स्टेट का, जो लास्ट डे में आप वैलिडिक्ट्री के दौरान प्रेजेंट करेंगे। जो कार्यशाला में आपने सीखा उस लर्निंग को आप आगे कैसे एक्सटेंड करेंगे, और आपका एक स्टेट का एक्शन प्लान क्या होगा, वो प्रेजेंटेशन सभी स्टेट्स को करना है जो इस कार्यशाला में शामिल हैं। तो ये एक ओवरव्यू और कॉन्टेक्स्ट की बात है जो मैं आपसे शुरुआत में कार्यक्रम की करना चाहती थी, और मुझे लगता है मैं अपने जो उद्देश्य है इस कार्यशाला का उसको बताने में काफी स्पष्ट हूँ, लेकिन अगर कोई भी ऐसी जिज्ञासा या कंफ्यूजन है तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस कार्यशाला को करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो भी आप लोगों के दूर हो जाएंगे, और आप सब को ये अपॉर्चुनिटी भी है कि जो भी रिसोर्स पर्सन हैं आप उनके से प्रश्न करें, जो भी आपके जिज्ञासाएं हैं उनके उनकी शांति के लिए, उनको पूरा करने के लिए, तो प्रश्न करने के लिए आप सभी स्वतंत्र हैं, जहां भी डाउट है, जहां किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, और इस तरह से हम और आप मिलके इन 5 दिनों में आगे बढ़ेंगे, और आपकी एक सक्रिय भागीदारी ही इसकी सफलता की तरफ इन इस कार्यक्रम को ले जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे हमारे 3 फेज गए हैं उसी तरह इस फेज के जो प्रतिभागी हैं वो भी अपने पूरे रुचि और सक्रिय भागीदारी से इस कार्यशाला को सफल बनाएंगे, ना कि इस कार्यशाला को
बल्कि आगे जो हमें एनईपी 2020 के उद्देश्यों की ओर मिलके अग्रसर होना है उसमें भी आप लोग अपनी भूमिका निभाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम और हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं, ये शुरुआत है जो हमारा रिलेशनशिप है उसकी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप की, और ये आगे तक जाएगा। और जहां भी कहीं किसी विशेष एरिया है, जैसे एक इसमें हमने कितने प्रकार की डिजिटल बुक्स होती हैं उसके ऊपर भी सेशन रखा है और उनका निर्माण किस तरह से होता है। अगर आपको जरूरत है कि हाँ आपकी हैंड होल्डिंग करी जाए डिजिटल पुस्तकों के निर्माण करने में, QR कोडेड पुस्तकों के निर्माण करने में, तो हम अलग से भी किसी भी स्टेट की जरूरत के मुताबिक उनके लिए पर्सनलाइज्ड कार्यशाला किसी एक विशेष क्षेत्र में कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर को एक रिक्वेस्ट का लेटर लिखवाना पड़ेगा अपनी अथॉरिटी से, ताकि एक विशेष एरिया में अगर आपको कंसंट्रेटेड ट्रेनिंग करनी है जिससे आपका स्टेट को एक इनेबलमेंट हो सके और उनका जो एम्पावर हो सके वो किसी एरिया में, तो उसके लिए हम CIT NCERT हमेशा आपके साथ हैं। और इस तरह के पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग हम बहुत टफ सर्कमस्टेंसेस में भी करके आते हैं जब भी जरूरत होती है। अभी हाल ही में हमने लेह के लिए एक कार्यशाला का निर्माण किया था, उन्हें फेस का आयोजन किया था और उन्हें फेस टू फेस चाहिए थी, क्योंकि लद्दाख जो हमारा अभी अभी एक नया UT बना है और जो कि बहुत इंथ्यूजियास्टिक है काम करने के लिए, तो अगर उसको नेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उनका जो वो जोश है, इंथ्यूजियाज्म है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के जो स्पेसिफिक जरूरतें होती हैं राज्यों की, उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। और हमने बहुत टफ विंटर सिचुएशन में भी वहां जाके 5 दिन की कार्यशाला का उनके लिए आयोजन किया, ताकि वो आगे बढ़ सकें, और उनकी सक्रिय भागीदारी से वो बहुत सफल भी रहा हमारा कार्यक्रम। और सभी इस तरीके से ही होते हैं वो, हम और आप दोनों जब तक मिलकर एक सक्रिय भागीदारी के साथ कार्यक्रम नहीं करेंगे तो सफलता उसकी में संदेह रहता है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, इन 5 दिनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे फॉर इनहेंसिंग आवर लर्निंग, मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। और अभी मैं सवाल जवाब के लिए नहीं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, क्योंकि आज 3 प्रेजेंटेशंस मुझे करने हैं बाय डिफॉल्ट, तो मैं आपके साथ निरंतर बनी रहूंगी, तो उस दौरान जो भी सवाल जवाब होंगे हम आपस में बातचीत करेंगे। अभी ये इनोग्रल है, थोड़ा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए, और किसी भी बात को लेके पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर प्राची, डॉक्टर गुलशन, डॉक्टर मोनिका निरंतर आप लोगों के साथ रहेंगी, कोई भी आपको टेक्निकल उसमें ग्लिच आती है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है, और मैं और प्रोफेसर बेहरा तो हैं ही हमेशा आपके साथ। तो आज के दिन आप कर लीजिएगा कंप्लीट, इनोग्रल से कुछ टाइम बचता है अगर तो टी के पहले फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, बस लर्निंग पे फोकस करिए, यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू डॉक्टर गुलशन एंड डॉक्टर प्राची। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी स्टेट्स की तरफ से मैं एक बार आपको फिर से थैंक्स कहना चाहूंगी मैम, इतने मोटिवेटिंग वर्ड्स के लिए, हम सब में इतना उत्साह भरने के लिए कि हम इन 5 दिन जो है बहुत अच्छी तरीके से ई कंटेंट ट्रेनिंग को लेके चलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ हम सीखेंगे जरूर। तो इन्हीं पॉजिटिव वर्ड्स के साथ और आपको एक बार और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर मोनिका को टू प्रपोज अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर मोनिका, ओवर टू यू। थैंक यू गुलशन मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स,
Indu ma'am, very good morning to all other faculty members from CIIT who have joined for this training program. So with the formal vote of thanks, I've been given duty to put forward this formal vote of thanks. तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी पार्टिसिपेंट्स का आभार व्यक्त करती हूँ जो इस ट्रेनिंग में जुड़ पाए, अपने रेगुलर शेड्यूल्स, अपनी रेगुलर ड्यूटीज को छोड़कर या फिर हो सकता है कुछ लोग पैरेलली भी दोनों चीजें करते हुए इस प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारी स्टेट अथॉरिटीज का, जिन्होंने आपको समय पर नियुक्त करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुली शुरू करने में हमारी मदद की, तो उनके लिए मैं बेहद धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ ही मैं आई वुड लाइक टू ऑल्सो थैंक ऑल द CIIT टीम मेंबर्स जो इसके अंदर हमारे साथ रहेंगे 5 दिन के लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए और अन्य सारी हमारी क्वेरीज को हैंडल करने के लिए, उन सभी को भी मैं फॉर्मली थैंक करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैम प्रोफेसर इंदु कुमार, जिनकी पूरी ज्ञान पूरे मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग हम ये कार्यक्रम को शुरू कर पा रहे हैं। सो मैम थैंक यू वेरी मच। I would also like to extend my thanks to our head of department, Dr. Bharti. And last but not the least, I would like to thank our joint director, CIIT, who has been constantly with us, guiding us, motivating us for conducting trainings for the states, to guide the states, to take forward the states and handhold the states on different aspects of ICT. So thank you very much, sir. With these words, I hand over the session to Dr. Gulshan. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Monica. I would like to request all the participants to switch on their cameras so that we can have a nice smiley screenshot. Please switch on your cameras. And our team members who are taking the screenshot, please ensure us after taking them. अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। मिस्टर संजय कुमार फ्रॉम गुजरात, मिस काजल,
Now we will be moving our first session, which is on ICT initiative at India with emphasis on Diksha. For this session, I would like to invite Professor Indu Kumar, ma'am. Ma'am, are you there? Yes, I'm there. Okay. Over to you, ma'am, for this session. मुझे म्यूट कर रखा है इन्होंने यहाँ से. अब क्या ये आलोक हम लोगों को co-host बना दो. अनम्यूट नहीं हो पा रहा था सर. फिजिकली मोड में अटेंड करने आ गए हैं सर. Sorry for the delay. Communication से भी कई बार miscommunication हो जाता है. एक state से एक participant face to face आ गए हैं attend करने के लिए, तो I was handling that problem. Online की बजाय उनको शायद ये गलत फहमी रही कि जाके करना है. मुझे लगता है बाकी सबको सही मैसेज गया क्योंकि सारे participants यही ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध हैं. ठीक है, तो हम session के साथ आगे बढ़ते हैं. आज के आईसीटी इनिशिएटिव के सेशन के साथ डॉक्टर प्राची मुझे प्रेजेंटेशन में मदद करेंगी. सो आई वुड रिक्वेस्ट हर टू शेयर हर स्क्रीन सो दैट वी कैन प्रेजेंट इट. तो ये यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एजुकेशन, जिसमें जितने भी सीआईटी एनसीईआरटी के इनिशिएटिव्स हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे. So we are just waiting for the presentation to be projected, screen to be shared. Screen share होने के बाद हम start करते हैं presentation. ठीक है, I think सबको दिख रहा है presentation. सब देख पा रहे हैं ना screen पे? Yes, ma'am. Next slide करते हैं. Next slide. ठीक है, हम शुरू करते हैं कि भारत का जो एजुकेशनल सिनेरियो है वो एजुकेशनल सिनेरियो क्या है, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो जैसा कि इस स्लाइड से आप देख सकते हैं कि जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वो है क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करना फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ये हमारा उद्देश्य है और इसके तरफ हम सबको बढ़ना है जो भी विभिन्न आईसीटी इनिशिएटिव्स हैं उनके माध्यम से.
इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है जिसके साथ भारत को डील करना पड़ता है जब भी कोई चीज इम्प्लीमेंट होती है उसके लिए। यहाँ हम देख सकते हैं स्लाइड में, मेरे कर्सर को आप दिख रहा होगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 10 मिलियन टीचर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। कैस्केड मोड में जिसकी शुरुआत की गई थी 42,000 टीचर्स जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के साथ, और पेंडेमिक के दौरान 17,00,000 टीचर्स को ट्रेन करने के बाद कैस्केड मोड में फिर ये पूरी ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में की गई थी। पर इतनी बड़ी संख्या को प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना एक चैलेंज तो है ही। इसके अलावा जो हमारी जनसंख्या भी है हमारे देश की, कितने लोग हैं, 1.3 बिलियन पीपल हैं हमारे देश में, 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, करीब 15,00,000, 900 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, 14,000 प्लस टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और 330 मिलियन जो है वो स्टूडेंट्स है, करीब 33 करोड़ के करीब जो विद्यार्थियों की जनसंख्या है हमारे देश में। तो इस तरीके से हम देखें तो कितना बड़ा ये एक चैलेंज है हमारे देश के लिए कि इतने बड़े पॉपुलेशन को, स्कूल पॉपुलेशन को, टीचर पॉपुलेशन को और विद्यार्थियों की पॉपुलेशन को हमें कैटर करना है। जो यूथ है हमारे देश के, युवा हैं, वो 1/3 हैं हमारी जनसंख्या के, तो उनकी स्किल ट्रेनिंग करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह है देश के सामने। लेकिन ये हमें कार्य करना है, चैलेंज ये नहीं है कि चैलेंज बोल के हमें एस्केप करना है, ये चैलेंज है, इनको ध्यान में रखते हुए हमें मिलके आगे बढ़ना है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड, पेंडेमिक के दौरान हम सबको पता चला COVID-19 महामारी के दौरान कि कितने स्वरूप हैं डिजिटल डिवाइड के जो हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। कहीं डिजिटल डिवाइड है किसी भी राज्य या केंद्र शासित राज्य के ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल से पहुंचती है। इसके अलावा कहीं हमारे जो विद्यार्थियों की पॉपुलेशन है उसमें कुछ स्ट्राटा ऐसा भी है जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, घर पे डिवाइसेस नहीं है उनके पास, घर पे विद्यालयों में भी डिवाइसेस नहीं है, शिक्षकों के पास भी एक जो मिनिमम बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो इससे एक डिजिटल डिवाइड जो है वो क्रिएट होती है, तो इसको ब्रिज करना जो है वो गोल है, और NEP 2020 में इन डिजिटल डिवाइड को कैसे ब्रिज करें उसके बारे में भी रिकमेंडेशन है। इसके अलावा जहां कहीं मान लीजिए डिवाइसेस भी हैं तो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इंटरनेट नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, डिवाइसेस चार्ज भी होती हैं, इंटरनेट भी उसी से चलता है, तो ये तमाम तरह के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जिनको ओवरकम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। रातों रात परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन होगा जो अगर हमारी पास इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो जरूर हम ये चैलेंज डिजिटल रेडीनेस हमारी डेवलप कर पाएंगे देश में। नेक्स्ट, यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ICT यूज इन इंडिया, इसके लिए पॉलिसी डायरेक्शंस कहाँ क्या रहे हैं। हमने 1972 में कहाँ से शुरुआत की थी, जब ET स्कीम लॉन्च हुई थी 1972 में, और उसके बाद आज 2022 तक का भी टाइमलाइन था, ये वो वाली प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, ओल्ड वर्जन है मुझे लगता है, क्योंकि एक उसमें हमने 22 तक हमारा क्या कहाँ पर है हम हैं उसकी भी बात की थी। तो ये स्लाइड को रिप्लेस करके फिर हम ग्रुप के साथ शेयर करेंगे जो लेटेस्ट है। इसके बाद 1972 के बाद 1983 में जो इंडियन सैटेलाइट नेटवर्क का जो था शुरुआत की गई थी, और उससे किस तरीके से दूरदर्शन को और रेडियो को प्रयोग किया गया था,
शिक्षा का डिसेमिनेशन करने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, और दूरदर्शन पे ही स्लॉट्स होते थे जो टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के लिए या और स्टूडेंट्स के लिए हुआ करते थे। फिर जो क्लास प्रोजेक्ट है कंप्यूटर लिटरेसी के लिए, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1984 में। फिर 1986 में एनईपी का नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उस समय के संदर्भ में वो देश को समर्पित की गई थी, और उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था, और उसी के तहत जो उसमें रिकमेंडेशंस थे डिजिटल एजुकेशन के लिए, कैसे रेडियो और टेलीविजन को इन्हांस करें और का प्रयोग करें एजुकेशन को और अधिक रोचक और उसके और प्रसार के लिए, ये उसी के तहत आगे के कार्य इस संदर्भ में हमारे चले। इसके बाद 2004 में एडुसेट लॉन्च, एजुकेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई, और आईसीटी एट स्कूल स्कीम देश को दी गई, और कंप्यूटर एजुकेशन एंड लिटरेसी और एनएमई आईसीटी नेशनल मिशन फॉर एजुकेशन फॉर आईसीटी जो हायर एजुकेशन के लिए एक शुरुआत थी, ये 2004 में की गई। इसके बाद 2010 में आईसीटी एट स्कूल स्कीम रिवाइज हुई, आईसीटी अवार्ड जिसमें आईसीटी अवार्ड नेशनल आईसीटी अवार्ड भी इंट्रोड्यूस किए गए शिक्षकों को एनकरेज करने के लिए कि वो तकनीक का प्रयोग करें अपने रोजमर्रा के टीचिंग लर्निंग में, और उसके बाद से ही ये निरंतर आईसीटी अवार्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन सीआईटी एनसीईआरटी करते रहा है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 2012 में फिर आईसीटी पॉलिसी का निर्माण हुआ, 2013 में एनआरओईआर और आईसीटी करिकुलम लॉन्च किए गए, 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन का लॉन्च हुआ जैसा कि हम सभी जानते हैं, और ई पाठशाला मोबाइल ऐप जो मुझे उम्मीद है आप सबके पास होगा आपके मोबाइल में, और ई पीजी पाठशाला एक नया जो प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत की गई। ई पीजी पाठशाला की जहां तक बात है, इसमें जो योजना थी वो ये थी कि जितने पीजी कोर्सेज हैं वो स्वयं प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन रूप में भी उपलब्ध हों, उसके लिए मॉड्यूल निर्माण की प्रक्रिया ई पीजी पाठशाला प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की गई, और ये यूजीसी लेड एक प्रोजेक्ट था जिसमें सभी भागीदार थे, और एनसीईआरटी की भागीदारी उसमें स्कूल मूक्स का निर्माण करने में थी। और 2017 को जो स्वयं प्लेटफॉर्म था ईपीजी पाठशाला के तहत जिन मॉड्यूल्स का निर्माण किया गया था उनको डिसेमिनेट करने के लिए स्वयं मूक्स प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया 2017 में। ये एक पोर्टल है जिसको का लॉन्च किया गया विद कोर्सेज जो ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट के तहत जिनका निर्माण किया गया था। इसके बाद स्वयं प्रभा एक इनिशिएटिव था जो सरकार ने लॉन्च किया गया उस समय, जिसके तहत 32 चैनल विच वर डेडिकेटेड टू एजुकेशन, ये डीटीएच चैनल थे, इनको लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी 200 से 300 के बीच चैनल के साथ सरकार तैयार है जो विभिन्न स्टेट्स और यूटीज को दिया जाएगा। बहुत सारे स्टेट यूटीज ने अपनी डिमांड भी रेज की है कि उनको कितने चैनल चाहिए, पर अभी जो एनसीईआरटी में कितने चैनल चल रहे हैं ये आगे जब हम इस टाइमलाइन को पूरा करेंगे उस दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी हमें इन चैनल के लिए कार्य करना है, और इनके लिए भी डिजिटल कंटेंट के भारी मात्रा में निर्माण की आवश्यकता है कि जो हम 200 चैनल देश भर में चलाएंगे। इसके अलावा 2017 में ही दीक्षा जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया गया, जिसको हम देखते हैं इन्विसाइज करते हैं एक वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में, कि समस्त देश के लिए एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का फुल फॉर्म ही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग,
और ये 2017 में लॉन्च किया गया, आज 2022 है। 5 सालों में इसमें बहुत सारे जो नए नए चीजें हैं उनको किया गया, और अभी ये करीब करीब सभी हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस पर एक टेनेंट है, जो इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग डिजिटल कंटेंट के डिसेमिनेशन के लिए, निष्ठा कोर्सेज करने के लिए, एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स एक्सेस करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें और भी एनईपी 2020 के हिसाब से नए इनिशिएटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीक्षा भी किए गए हैं, जो हम आगे आने वाली स्लाइड में जिनके ऊपर चर्चा करेंगे। 2018 में समग्र शिक्षा का लॉन्च किया गया। इससे पहले हमने आरएमएसए के बारे में सुना है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। तो ये जो अभियान थे एक विशेष लेवल ऑफ एजुकेशन के को टारगेट कर रहे थे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए था, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कंसंट्रेटेड तरीके से माध्यमिक शिक्षा को एनहांस करने के लिए था। लेकिन जो अभी विजन बन रहा है वो ये कि शिक्षा को हमें ऐसे फ्रेगमेंट्स में नहीं देखना चाहिए, साइलोज में नहीं देखना चाहिए, कि हमें उसको एनहांस करने के लिए विशेष लेवल के लिए विशेष अभियान चलाने पड़े, हमें एक समग्र रूप में उसको देखना चाहिए, कंप्लीट होल के रूप में देखना चाहिए, और जिसकी शुरुआत अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से होकर 12वीं तक की जो शिक्षा है वो इसके अंदर समाहित होनी चाहिए, और हर लेवल के अगले लेवल के साथ लिंकेजेस भी होने चाहिए। तो ये 2018 में लॉन्च किया गया। साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस भी एनसीईआरटी ने निर्मित किया, और इनको हमने लॉन्च किया, और हमारी वेबसाइट पे ये उपलब्ध है। 2019 में निष्ठा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो लॉन्च हुआ, जिसके तहत ये रखा गया कि 42,000 एलिमेंट्री टीचर्स के साथ इस ट्रेनिंग की हमें शुरुआत करनी है निष्ठा के माध्यम से। और उसी बीच में 2019 में ही पेंडेमिक की शुरुआत हुई, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे अर्ली जो हमारा 20 का साल था, 2020 में इंडिया में भी उसका प्रभाव देखा गया। और उसके बाद ये जो निष्ठा कार्यक्रम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फेस टू फेस माध्यम से चल रहा था, इसको पेंडेमिक के दौरान एनसीईआरटी ने इसको ऑनलाइन पे स्विच ओवर किया, और देश के इन सभी शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से निष्ठा में ट्रेनिंग की गई। इसके अलावा गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट भी 2019 में निर्मित हुई, और ये दो रूपों में उपलब्ध है, एक तो फॉर टीचर्स के लिए, स्कूल एंड टीचर एजुकेशन, और इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी ई कंटेंट डेवलपमेंट गाइडलाइंस हैं, जो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, और आप इन्हें भी जरूर देखें ताकि इनको पढ़ के भी आप अपना और ज्ञानवर्धन कर सकें। 2020 में एनईपी 2020 लॉन्च की गई, देश को दी गई, और इसके अलावा क्योंकि इस समय देश पेंडेमिक से जूझ रहा था, तो एक प्रज्ञाता गाइडलाइंस का निर्माण किया गया कि डिजिटल एजुकेशन का स्वरूप, भारत की विविधता को, डिजिटल डिवाइड को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कितने प्रकार के मॉडल्स हो सकते हैं वो इन गाइडलाइंस में आपको मिलेंगे। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम जो एनईपी 2020 जिसको रिकमेंड करती है, इसके तरफ भी प्रयास जारी है। इसके अलावा पीएम ई विद्या का एक जो इनिशिएटिव था वो भी 2020 में ही लॉन्च किया गया था, और एनडीएआरवीएस के 2022 में, हालांकि ये जो एनईपी में रिकमेंड है 2020 में,
कि विद्या समीक्षा केंद्र का भी शुरुआत होनी चाहिए, जिससे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सुनिश्चित की जा सके। एनसीईआरटी का जो एनडीएआर है, एनडीआरवीएसके है, विद्या समीक्षा केंद्र, ये 2022 में लॉन्च किया गया और सारे स्टेट्स विजिट भी कर रहे हैं जो यहाँ का विद्या समीक्षा केंद्र को देखने के लिए। और एनसीईआरटी विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको सपोर्ट भी करने के लिए हमने प्रपोज किया है 2022 में ही कि किस तरीके से वीएसके का निर्माण वो अपने अपने राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ इस स्लाइड में एनईपी 2020 के रिकमेंडेशंस फॉर ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन हम देख सकते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव दिया गया है एनईपी 2020। तो सबसे पहला जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो एनईपी 2020 में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। इसके अलावा हमें कुछ रोबस्ट पोर्टल्स, एप्स और टूल्स का भी निर्माण करना है जो एनसीईआरटी ने जिसकी शुरुआत पहले ही कर दी गई थी, लेकिन एनईपी 2020 में इसको एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में रिफ्लेक्ट किया गया है। तो वो पोर्टल्स, टूल्स, एप्स क्या हैं, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा डिजिटल रिसोर्सेज जो मैंने अपने शुरू का जो ओवरव्यू ऑफ दी वर्कशॉप है उसमें इसकी जरूरत आपको बता ही दी थी कि एनईपी 2020 में कैसे ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। इसके अलावा टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीज को भी हम किस तरह से हार्नेस कर सकते हैं फॉर दी डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी एनईपी 2020 में एक पर्सपेक्टिव दिया गया है कि हाउ टू यूटिलाइज दीज टेक्नोलॉजीज। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जो 300 के करीब चैनल्स हैं जिनकी हमें सबको मिलके जिन्हें चलाना है फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, ये कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके तरफ हमें मिलजुल के काम करना है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाया जा सके और गवर्नेंस के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकें। फिर ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज के रूप में हमें पेंडेमिक के दौरान पता चला कि डिजिटल एजुकेशन की तरफ हमने मूव तो किया, वी वर फोर्स टू मूव, लेकिन एक चैलेंज था कि बच्चों का असेसमेंट कैसे किया जाए। तो ये एनईपी 2020 में भी रिफ्लेक्ट हुआ है और इस संदर्भ में भी एनसीईआरटी का एक विशेष विभाग है जो इस तरफ कार्यरत है और हम सबको मिलके इस तरफ अग्रसर होना है कि डिजिटल के लिए हमें किस तरीके से असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन को रीडिजाइन करना चाहिए कि ऑनलाइन का सिस्टम एक फेयर सिस्टम प्लस ऑथेंटिक सिस्टम के तरह उभर कर आए जिससे हम लर्निंग आउटकम्स का प्रॉपर असेसमेंट कर सकें। इसके अलावा बिल्डिंग डिजिटल कॉम्पिटेंसीज ऑफ स्टूडेंट बहुत जरूरी है और मैंने अपने शुरुआती जो आपसे बातचीत की थी उसमें बताया भी था कि टेक्नोलॉजी में तो वो प्रोफिशिएंट है, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हैंडल करने में वो कॉम्पिटेंट है, लेकिन उसको एक विवेक और बुद्धि के साथ किस तरीके से हमें इन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करना है इसमें उनका हैंड होल्डिंग और उनकी ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है ताकि जो साइबर एनवायरनमेंट है, डिजिटल एनवायरनमेंट है, उसमें हमारे बच्चे सेफ और सिक्योर रह सकें। इसके अलावा टीचर्स का जो प्रोफिशिएंसी है वो डेवलप करनी है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना है टीचर्स का और साथ ही टीचर
मैम आई थिंक यू आर नॉट कनेक्टेड राइट नाउ, यू आर नॉट ऑडिबल. हाँ एक्चुअली कुछ टेक्निकल इंटरनेट इशू की वजह से मैम जो है लॉक्ड आउट हो गई है. मैम अभी ज्वाइन कर रही है, प्लीज वेट फॉर अ मिनट. प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट आ तो गया था. Yes, welcome back. तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आवाज आ रही है ना सबको. आई थिंक आई एम ऑडिबल. यस मैम. यस यस. तो किस तरीके से हमें स्टैंडर्ड ले डाउन करने, जैसे ई कंटेंट डेवलपमेंट गाइडलाइंस जो हैं, वो ई कंटेंट डेवलपमेंट के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, दिव्यांगों के लिए क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग पर आधारित कॉन्टेंट निर्माण कैसे करना चाहिए, वो सारे स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए गए हैं. इसके अलावा इंटेंसिव रिसर्च इन ईटी एंड आईसीटी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ हमें कार्य करना है. क्योंकि जब तक हम इंटेंसिव रिसर्च नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी क्या आवश्यकता है, हम कहाँ हैं और कहाँ तक हमें पहुँचना है, उसके लिए रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस होना बहुत आवश्यक है. तो ये सारी चीजें एनईपी 2020 में रिकमेंडेड हैं, जिसके तरफ सीआईटी ऑलरेडी कार्यरत हैं हम लोग इस दिशा में. और वो क्या क्या कार्य हैं जो हमें पूरे देश में एक्सटेंड करने हैं, ये हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस किस तरह के वैरायटी ऑफ डिजिटल कंटेंट हैं जो एनसीईआरटी में डेवलप किए जाते हैं. सीआईटी एनसीईआरटी में एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स एक वैरायटी है, असेसमेंट क्वेश्चंस, इंफोग्राफिक्स, ई कोर्सेस, गाइडलाइंस एंड हैंडबुक्स, वीडियोस इंक्लूडिंग इंडियन साइन लैंग्वेज वीडियोस, इंटरैक्टिव इमर्सिव कंटेंट जो एक गेमिफिकेशन का जो रूल है या जो ऑलरेडी उपलब्ध है एक फैसिलिटी, तो गेमिफाइड इंटरैक्टिव कंटेंट वो भी एनसीईआरटी ने डेवलप किए हैं. देन ऑडियो टॉकिंग बुक्स एंड ऑडियो बुक, ऑडियो प्रोग्राम्स, टॉकिंग बुक्स, ऑडियो बुक्स, इनका निर्माण भी एनसीईआरटी सीआईटी एनसीईआरटी में किया जा रहा है और जो ऑलरेडी उपलब्ध है. इसके अलावा वर्कशीट्स एंड असेसमेंट शीट्स एक अलग प्रकार के कंटेंट हैं जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए किए जा रहे हैं. एक बार चैट्स भी देखते रहो, पीपल आर राइटिंग समथिंग इन चैट्स आल्सो. स्क्रीन शेयर एंड टू चैट. तो ये है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये मेजर डिजिटल इनिशिएटिव हैं, जिसमें पहला है पीएम ई विद्या, जो एक जिसका उद्देश्य है जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उनको यूनिफाई करना. ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है ई विद्या. दीक्षा भी इसके अंतर्गत है. जो डीटीएच चैनल्स हैं एनसीईआरटी चला रहा है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं. इसके अलावा ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट टेक्नोलॉजी वो भी पीएमई विद्या के तहत हैं.
तो उनका यूनिफिकेशन करना एक उद्देश्य है, सारे जो एफर्ट हैं डिजिटल एजुकेशन को की रेडीनेस डेवलप करने के लिए। दीक्षा, दीक्षा के बारे में आप सभी जानते हैं और इसके बारे में मैं चर्चा भी कर चुकी हूँ। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, जिसमें पिछले स्लाइड में जितने प्रकार के कंटेंट मैंने आपको बताए थे वो सभी प्रकार के कंटेंट दीक्षा पे उपलब्ध हैं, ना केवल एनसीईआरटी द्वारा निर्मित बल्कि आप सभी द्वारा निर्मित। जो स्टेट एंड यूटीज हैं उन्होंने भी जो जो अपने ये सारे प्रकार के कंटेंट बनाए हैं या कुछ और वैरायटी ऑफ कंटेंट बनाया है वो सब दीक्षा पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा ई पाठशाला एक पोर्टल है और ऐप भी है। दीक्षा भी पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध है और एक ऐप के रूप में भी उपलब्ध है। ई पाठशाला भी एक पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध है और एक मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है, जिसमें जो किताबें हैं वो ई पब फॉर्मेट में सारी किताबें उपलब्ध हैं ई पाठशाला पे। ये इसके अलावा निष्ठा जो हम चर्चा कर चुके हैं, ये टीचर ट्रेनिंग के लिए है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के लिए है, फॉर ऑल दी एरियाज ऑफ एजुकेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसमें जो मॉड्यूल्स हैं उनका चयन इस तरह से किया गया है जो जितने भी एरियाज हैं इम्पोर्टेंस के उसको कवर अप कर सके निष्ठा ट्रेनिंग के माध्यम से। और निष्ठा एलिमेंट्री सेकेंडरी FLN एलिमेंट्री सेकेंडरी हो चुका है, FLN पाइपलाइन में है। इसके अलावा आंगनवाड़ी के लिए और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए भी इनका निर्माण किया जा रहा है मॉड्यूल्स का, और जल्दी ही ये सारे ट्रेनिंग्स भी उपलब्ध होंगे। जो स्वयं है, मैं टाइमलाइन आपके सामने एक्सप्लेन करते समय स्वयं पोर्टल के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें EPG पाठशाला प्लस स्कूल MOOCs उपलब्ध है। इसके अलावा ICT करिकुलम एक और इनिशिएटिव है, जिसमें 6 लर्निंग स्टैंड हैं जिससे कि ICT प्रोफिशिएंसी डेवलप करी जा सके, जिनको ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यार्थियों के बीच और शिक्षकों के बीच ये मूडल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए उसको कस्टमाइज करके एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ICT करिकुलम के सभी मॉड्यूल्स कोर्सेस रिसोर्सेस उपलब्ध हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ हम देखेंगे कि PME विद्या के थोड़े से और डिटेल की, मैंने कहा था ये यूनिफिकेशन के लिए ऑफ एफर्ट्स इनेबलिंग मल्टी मोड एक्सेस टू एजुकेशन, विभिन्न मोड से एजुकेशन को सुलभ कराया जा सके देश के लिए, वो इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है। और PME विद्या किस किस चीज पे फोकस करता है, मल्टी चैनल लर्निंग कंटिन्यूम के ऊपर, जिसमें टेलीविजन एक है, रेडियो है, दीक्षा है, स्पेशल ई कंटेंट जिसमें CWSN के लिए कंटेंट है, साइन लैंग्वेज के वीडियोस हैं, और इसके अलावा टॉकिंग बुक्स एंड ऑडियो बुक्स हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं इनका यूनिफिकेशन PME विद्या के तहत है, और मल्टी मोड डिलीवरी इस तरह से कि रेडियो की भी पोटेंशियल हार्नेस कर रहे हैं, टेलीविजन का भी, जो इंटरनेट है उसको भी, और इसके साथ साथ स्पेशल नीड्स के लिए कैसे इनका हम प्रयोग कर सकते हैं वो सारा भी इसके दायरे में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ हम देखेंगे कि टेलीविजन के का किस तरह से NCERT में इसको हार्नेस किया गया है, इस जो सुविधा है से। अभी 12 DTH चैनल हैं जो NCERT चलाते हैं, CIT के माध्यम से चलते हैं, जो 24/7 बेसिस पे ये चैनल चल रहे हैं, और ये सेमलकास्ट होते हैं JioTV ऐप के ऊपर। प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स भी इनको प्रोवाइड कराते हैं, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी इन चैनल्स पे चलने वाला कंटेंट जो वो उपलब्ध है। तो 6-6 घंटे के 3 स्लॉट होते हैं, और 6 घंटे का एक स्लॉट है जो 2 बार और रिपीट होता है। तो इस तरीके से
तीन बार रिपीट होता है तभी 24 आवर्स होते हैं। तो इस तरीके से जो डीटीएच टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और अगर आप भारी संख्या में ई कंटेंट का निर्माण करेंगे तभी हम ये चैनल्स राज्य और केंद्र शासित राज्य स्तर पर भी चला सकते हैं। इसमें हम देखेंगे 6300 करिकुलम बेस्ड वीडियोस हैं जो एनसीईआरटी में डेवलप किए गए हैं फॉर स्कूल एजुकेशन, और ये तीन भाषाओं में उपलब्ध है, इंग्लिश में, हिंदी में और साइन लैंग्वेज में, और उर्दू में भी कार्यक्रम है, और वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है। फिर 1 घंटे का लाइव सेशन रोज होता है इन चैनल में डाउट क्लियरेंस के लिए भी, क्योंकि अगर डीटीएच टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं तो उसपे जो कार्यक्रम है एक तो वो एंगेजिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो वन साइडेड डिस्कोर्स लगे कि एक तरफ से बस बोला जा रहा है। ये भी निर्देश है कि जो भी प्रेजेंटर प्रेजेंट कर रहा है वो कार्यक्रम जो टीवी पे जाएगा उसमें केवल लेक्चर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सपोर्टेड बाय 70-80% रिसोर्स, जो सपोर्टिंग मटेरियल, केवल भाषण नहीं बस उसके साथ इमेज, कहीं कोई वीडियो क्लिप दिखानी है तो इस तरह से ये होना चाहिए, और उसी रूप में कार्यक्रम इसके लिए निर्मित हो रहे हैं। अब फिर भी बच्चों को डाउट हो सकता है, वन साइड जो डिस्कोर्स होता है उसमें डाउट क्लियरेंस की ऑन स्पॉट ये संभव नहीं हो सकता, तो इसीलिए हर क्लास के डाउट क्लियरेंस के लिए भी 1 घंटे का लाइव सेशन होता है जिसमें उस विषय के विशेषज्ञ हैं और बच्चे फोन के माध्यम से उनसे अपनी शंकाएं, अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और एक्सपर्ट्स ऑनलाइन आके लाइव सेशन के माध्यम से बच्चों के जिज्ञासाओं का जवाब देते हैं। इसके अलावा IVRS सपोर्ट भी है स्टूडेंट्स की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ हम देख रहे हैं 3688 करिकुलम बेस्ड रेडियो प्रोग्राम भी उपलब्ध हैं, जो 1 से 12 तक की कक्षाओं के लिए है, और इसके अलावा 398 रेडियो स्टेशन के माध्यम से को फीड कर रहा है CIT NCERT, जिसमें 11 ज्ञानवाणी चैनल है, FM रेडियो स्टेशंस भी हैं, 255 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं और 132 ऑल इंडिया रेडियो स्टेशंस हैं जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम डिसेमिनेट होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट रेडियो जहां जहां पहुंच सकता है तो इंटरनेट रेडियो का भी प्रयोग किया जा रहा है, और जियो सावन ऐप के माध्यम से भी ये जो रेडियो कार्यक्रम है वो डिसेमिनेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1881 लाइव प्रोग्राम है जो पॉडकास्ट और आई रेडियो के माध्यम से अब तक किए जा चुके हैं, और ये शायद कोई एक आध महीने पुराना डेटा होगा, आज का डेटा शायद बदल गया होगा। नेक्स्ट प्लीज। इनको भी अपडेट करके शेयर करना जो भी इसमें पुराना डेटा है पार्टिसिपेंट्स के साथ, सारी आपके साथ प्रेजेंटेशन हम लोग शेयर करेंगे। दीक्षा पे जो उपलब्ध सामग्री है वो यहाँ आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। 5,900+ एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स हैं जो विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित राज्यों और NCERT के द्वारा मुहैया कराई गई हैं दीक्षा पे। इसके अलावा 2,80,000 ई कंटेंट है, और जिसमें NCERT के माध्यम से कंट्रीब्यूटेड कंटेंट भी है और हमारे जितने भी राज्य और यूटीज हैं उनके द्वारा निर्मित कंटेंट भी इसके अंदर शामिल है। तो जो ये मैं ICT इनिशिएटिव आपको दिखा रही हूँ ये हमारा मिला जुला प्रयास है, और ये संख्या इसीलिए इतनी हो पाई क्योंकि इसमें हमारे राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का भी सहयोग रहा है। 7,000+ ई कोर्सेज हैं, इसमें भी राज्यों के कस्टमाइज्ड नीड बेस्ड कोर्सेज हैं और NCERT के कोर्सेज भी शामिल हैं इस नंबर में।
इसके अलावा 50 मिलियन पेज हिट्स इसमें डेली बेसिस पर होते हैं दीक्षा पे, और ये 32 भाषाओं में कंटेंट वर्तमान समय में दीक्षा पर उपलब्ध हैं, जिसमें 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं सूची में दर्ज भाषाएं हैं वो भी शामिल हैं, और साइन लैंग्वेज का कंटेंट भी इसमें शामिल है। अब NEP 2020 के हिसाब से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN का कंटेंट भी उपलब्ध है, और इसके लिए एक सेपरेट वर्टिकल बनाया गया है जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी निपुण भारत मिशन के तहत एक मिशन मोड में हमें इसके तरफ कार्य करना है, और जो NEP 2020 का भी एक महत्वपूर्ण सरोकार है, इसीलिए दीक्षा पर इसके लिए एक डेडिकेटेड वर्टिकल है। इसके अलावा अडल्ट एजुकेशन जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के नाम से अब जाना जा रहा है, वो भी एक सेपरेट वर्टिकल में इसके लिए कंटेंट उपलब्ध है। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन का कंटेंट भी, उसके लिए भी एक सेपरेट वर्टिकल है जिसमें वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो कराया जा सके, ये एक प्रोविजन है। इसके अलावा वर्चुअल लैब्स भी NEP 2020 में एक महत्वपूर्ण सरोकार है कि वर्चुअल लैब्स होने चाहिए, जो ना केवल साइंस के लिए बल्कि भाषा के लिए, गणित के लिए और अन्य विषयों के लिए भी ये लैब्स का प्रोविजन है। अभी 200 से कुछ अधिक जो एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट दीक्षा पर उपलब्ध हैं इस ऑनलाइन लैब में, लेकिन 700 से अधिक बनाने का हमारा टारगेट है जिसके तरफ कार्य चल रहा है। और एक सेपरेट वर्टिकल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए NEP 2020 में जिसके बारे में कहा गया है, ये इस पे अभी कार्य प्रोग्रेस में है। ये चार जो वर्टिकल हैं ऑलरेडी उपलब्ध हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के लिए, अडल्ट एजुकेशन के लिए एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल, एंड वोकेशनल एजुकेशन के लिए वोकेशनल एजुकेशन वर्टिकल, और वर्चुअल लैब्स के नाम से उपलब्ध हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और इनके हम आपको ये जो सारे वर्टिकल्स हैं, खास करके FLN और अडल्ट एजुकेशन वाला, आज ही के दिन किसी प्रेजेंटेशन में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और आपको एक्चुअली आई विल टेक यू थ्रू, आपको दिखा दिया जाएगा कि कैसे यहाँ पर कॉन्टेंट उपलब्ध है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट एक वर्चुअल लैब का, जिसमें 200 प्लस वर्चुअल लैब्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया ही था, और जो लैब मैनुअल्स हैं NCERT द्वारा निर्मित, उन पर आधारित लैब एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट्स यहाँ उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये निपुण भारत वाला वर्टिकल है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, जिसपे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का कंटेंट उपलब्ध है, तो शीघ्र ही हम इसको देखेंगे आज के प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट। ये अडल्ट एजुकेशन के लिए एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल, यहाँ आप इसके लिए अभी तक जो निर्माण हुआ है, क्योंकि ये NEP 2020 के हिसाब से ये सारी चीजें निर्मित की जा रही है, तो इन पर निरंतर जो आवश्यकता है, आवश्यकताओं के अनुसार सभी पे कंटेंट डाला जा रहा है, और ये निरंतर टॉपअप होता रहेगा कंटेंट इन पे। फिर यहाँ ये एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो दीक्षा मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अभी विद्या अमृत महोत्सव चल रहा है, आप में से भी बहुत से लोग इसमें भागीदारी कर रहे होंगे विद्या अमृत महोत्सव में, और इस बार जो विद्या अमृत महोत्सव की थीम है वो इनोवेटिव पेडागोजीज है, तो टीचर्स अपने इनोवेटिव पेडागोजी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो इस पे शेयर कर रहे हैं। सो ना केवल विद्या अमृत महोत्सव के लिए, ये तो अभी हम इस कैपेबिलिटी का प्रयोग करके कर रहे हैं, लेकिन टीचर अपने रोजमर्रा के जीवन में जिस भी तरह की समस्याओं का सामना करते हैं और उनका समाधान कुछ स्टेप्स लेके करते हैं, तो उनका डॉक्यूमेंटेशन और शेयरिंग माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत की जा सकती है, ताकि हम अपने अपने लेवल पे जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों का लाभ जो हमारे शिक्षकों की और भी पॉपुलेशन है वो उठा पाए, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सके। नेक्स्ट प्लीज।
ये दीक्षा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कि क्या क्या पॉसिबल है दीक्षा पर, हम क्या क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये एक फिजिकल का एग्जाम्पल है. फिजिकल यानी कि फिजिकल कंबाइंड विद डिजिटल. अगर हम एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स जो फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध हैं, एक हार्ड कॉपी है उसमें QR कोड है, उसको डिजिटल यानी कि एक स्कैनिंग ऐप जो मोबाइल ऐप है उससे हम QR स्कैन करते हैं. तो डिजिटल क्या है, मोबाइल है और फिजिकल टेक्स्ट बुक है, और उसमें हम जो लिंक्ड कंटेंट है उसको अपने मोबाइल में देख सकते हैं. तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल प्लस डिजिटल. इसके अलावा NCERT की जो किताबें हैं, जो एक प्रयास किया गया है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट को इंटीग्रेट करने का, तो अभी साइंस मैथ से इसकी शुरुआत की गई है, वो भी फिजिकल और डिजिटल का एक कॉम्बिनेशन है कि जो इमेजेस हैं किताबों में, जो डायग्राम्स हैं उनसे कई बार प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट किताबों में ऐसे हैं जिनमें 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत है. तो इमेजेस को इस तरीके से बनाया गया है सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि उनको अगर हम AR ऐप से स्कैन करते हैं, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ऐप जो NCERT ने बनाया है, स्कैन करते हैं तो वो इमेजेस का 3D विजुअलाइजेशन हमें मिलता है मोबाइल में. तो ये भी एक उदाहरण है फिजिकल प्लस डिजिटल को कंबाइन करने का. तो ये एक फिजिकल इनिशिएटिव्स हैं जिसके तहत हम कार्य कर रहे हैं और हम सबको मिलके कार्य करना है. नेक्स्ट. ये एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आप UDL बेस्ड कंटेंट देख सकते हैं, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग पर आधारित, यानी कि जिसमें टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है और साइन लैंग्वेज भी है. तो जिससे हर प्रकार की एबिलिटी वाला बच्चा इनको एक्सेस करके इनसे कुछ ग्रहण कर सकता है. अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उनके लिए टेक्स्ट है और साइन लैंग्वेज है. जो ऑडिटरी लर्नर है उनके लिए ऑडियोज हैं, जो विजुअल लर्नर्स हैं उनके लिए वीडियो भी है. तो ये उस तरीके के कॉन्टेंट है. नेक्स्ट. ये हम देख सकते हैं कि दीक्षा को किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है फॉर कोहरेंट एक्सेस, यानी कि जो टेलीविजन पर भी कार्यक्रम टेलीकास्ट होते हैं वो भी दीक्षा के QR कोड के साथ लिंक कर दिए जाते हैं, ताकि एक बार टेलीकास्ट हो गया तो उसकी वन टाइम यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आगे जब भी कभी बच्चे चाहें तो उनको पुनः दीक्षा में किताबों के साथ लिंक्ड उन्हीं कार्यक्रम को वो पा सकते हैं. इसके अलावा अगर हम टेलीविजन की का जो पोटेंशियल है DTH टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके कंटेंट डिसेमिनेट कर रहे हैं, तो ये बहुत संभव है कि एक कक्षा में, जो पेंडेमिक के दौरान हुआ भी, बच्चे घर पर बैठे थे, लेकिन एक घर में 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर घर में एक बच्चा हो. तो टेलीविजन सेट तो ज्यादातर हाउसहोल्ड में एक है, 2 रेयरली होंगे लोगों के पास, लेकिन एक टेलीविजन सेट है तो दूसरा बच्चा क्या करेगा. तो इसको चैनल 12 हैं, एक बच्चे को 3री कक्षा का चैनल देखना है, एक बच्चे को 6ठी का देखना है. तो उसके लिए है जो 6ठी वाला बच्चा, और घर में अगर एक मोबाइल स्मार्टफोन भी है, स्मार्ट डिवाइस है, तो एक बच्चा अपने चैनल पे जाके उस समय जो कार्यक्रम चल रहा है उसको उसका QR स्कैन कर सकता है. यानी कि टेलीविजन पर भी जो कार्यक्रम आ रहे हैं वो भी QR कोडेड हैं. अगर एक बच्चा अपने चैनल का कार्यक्रम QR कोड से स्कैन कर लेता है तो वो जो कार्यक्रम उस समय टेलीविजन पर चल रहा है उसको मोबाइल में देख सकता है. तो इस तरीके से भी कोहरेंट एक्सेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करने की कोशिश की गई है. दीक्षा पे भी कंटेंट मुहैया कराया गया है, साथ ही साथ कंटेंट टेलीकास्ट होने वाला QR कोडेड है जिसे बच्चे मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं. नेक्स्ट. यहाँ विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में आप देख सकते हैं. ये NCERT ने अभी 10 प्रोग्राम्स के साथ विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किया है.
विद्या समीक्षा केंद्र है डेटा ड्रोवन डिसीजन मेकिंग के लिए। जब तक हमें गैप्स नहीं पता चलेंगे जो कार्य हम कर रहे हैं, मान लीजिए लर्निंग आउटकम का ही अचीव करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि लर्निंग आउटकम्स में गैप क्या है, कौन से बच्चे कौन से लर्निंग आउटकम को अचीव करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो हम कैसे उन गैप्स को एड्रेस करेंगे। तो विद्या समीक्षा केंद्र में वो गैप एरियाज का डेटा हमें मिलता है ताकि हम उससे उन गैप एरियाज को पे डिसीजन ले सके और उसके तरफ उनको फिल करने के लिए कार्य कर सके। जैसे कि एनसीईआरटी का एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि हमारे विद्या समीक्षा केंद्र में क्या है, एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स का डेटा है। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध हैं, और आगे अगर हम डीप ड्राइव करें डेटा में तो ये भी हमें पता चल सकता है कि कितनों ने क्यूआर के साथ कंटेंट लिंक किया है। तभी हम जो स्टेट्स पीछे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं और किस वजह से पीछे हैं उसके कारण जान सकते हैं। गुजरात का जो विद्या समीक्षा केंद्र है वो भी एक बहुत रॉबस्ट एग्जाम्पल है और सभी स्टेट्स ने वो विजिट भी किया है, एनसीईआरटी ने विजिट ऑर्गेनाइज की थी ताकि देख सके। शुरुआत गुजरात से ही हुई थी, एनसीईआरटी का विद्या समीक्षा केंद्र बाद में बना है और वहां एक एक बच्चे का डेटा उपलब्ध है कि एक पूरे गुजरात के कि वो लर्निंग आउटकम्स में कौन सा बच्चा पीछे है और किस कारण से पीछे है, ये जानकारी फिर प्राप्त की जा सकती है। और एक एक लास्ट माइल चाइल्ड को भी डेटा प्राप्त करने के वजह से सपोर्ट किया जा सकता है। और टीचर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है हम उसके तरफ भी कार्य कर सकते हैं। निष्ठा का डेटा भी एनसीईआरटी के वीएसके पे उपलब्ध है कि ये देश भर में इसको लागू करना है लेकिन कौन से स्टेट्स में सारे टीचर्स ट्रेन नहीं हुए हैं और किस कारण से नहीं हुए हैं, वो डेटा अगर पता चलता है तो उस पर हम कंसंट्रेटेड एफर्ट कर सकते हैं। अभी 10 प्रोग्राम है, मैंने 2 के आपको एग्जांपल दिए हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेंटर की शुरुआत भी एनसीईआरटी ने की है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे विजिट्स होते हैं निरंतर, बहुत सारे राज्यों के प्रतिनिधि भी आते हैं और जो हमारे एसपीडीज हैं उनकी विजिट भी मिनिस्ट्रीज में होती रहती है। तो मिनिस्ट्री की तरफ से डायरेक्शन है कि जो भी दिल्ली विजिट करें एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स वो एनसीईआरटी का विद्या समीक्षा केंद्र और एक्सपीरियंशियल लैब का जरूर विजिट करें। एनसीईआरटी में जो एक्सपीरियंशियल लैब है उसमें जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन है ताकि जो भी आए देख सके। यहाँ आप देख रहे हैं वी आर टेक्नोलॉजी वहां डेमोन्स्ट्रेटेड है जिनसे हम कोई भी कॉन्टेंट जो उस तरीके का है जहाँ 3D विजुअलाइजेशन की जरूरत है वो VR टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ वर्चुअल लैब भी डेमोन्स्ट्रेटेड है और जो हमारे फिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो फिजिटल इनिशिएटिव्स भी यहाँ डेमोन्स्ट्रेटेड हैं। इसके अलावा और जिन भी न्यूअर टेक्नोलॉजीज के कॉन्टेक्ट में हम आते हैं उन सबका डेमोन्स्ट्रेशन करना हमारा उद्देश्य है ताकि क्या क्या उपलब्ध है उससे एक्सपोजर हम अपने विजिटर्स का करा सकें और जिसको जो अच्छा लगे उनका वो प्रयोग कर सकें। क्योंकि हम डायरेक्टली बच्चों को नहीं पढ़ाता है एनसीईआरटी, बच्चों के साथ तो शिक्षक डील करते हैं पर उनके लिए क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है वो एक लैब में उनका डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए विच दिस लैब इज मेंट फॉर। नेक्स्ट। यहाँ हम देख सकते हैं अभी तक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी ने क्या क्या किया है। एक निष्ठा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, MOOCs जो प्लेटफॉर्म है उसको प्रयोग करके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को जारी रखा जा रहा है। इसके अलावा प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो उपलब्ध हैं और ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ETN ICT जो वेबिनार लाइव इंटरक्शन और ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन ETN ICT के रूप में उपलब्ध है। और जो प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग किया जा रहा है उसमें Moodle है, Sunbird है, Sunbird टेक्नोलॉजी दीक्षा जिस पे है,
इसके अलावा ओपन एडेक्स एंड गूगल कोर्स बिल्डर, इन चारों सॉफ्टवेयर्स एंड प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके ये कोर्सेस डिसेमिनेट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ हम देख सकते हैं अब तक निष्ठा के कौन कौन से कार्यक्रम हो चुके हैं। 1.0 एलिमेंट्री के लिए, 2.0 सेकेंडरी के लिए, 3.0 निपुण भारत के लिए जिसमें 12 कोर्सेज हैं, और निष्ठा 4.0 भी निपुण भारत से ही संबंधित है। नेक्स्ट, ये कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो दीक्षा पे उपलब्ध हैं, साइबर हाइजीन प्रैक्टिस के लिए, जो हम पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस को कैसे सेफ रख सकते हैं वो एक कोर्स है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी डिजिटल के साथ एक जो ड्रॉबैक है वो है, तो उसको किस तरह से मैनेज करें, COVID-19 रिस्पॉन्सिव बिहेवियर क्या होना चाहिए, यूनिसेफ से ने ये कोर्स कंट्रीब्यूट किया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्शन रिसर्च का कोर्स उपलब्ध है यहाँ पे जो टीचर्स के लिए है, उर्दू लैंग्वेज स्क्रिप्ट राइटिंग का एक कोर्स उपलब्ध है, और कैच दी रेन ये भी यूनिसेफ द्वारा कंट्रीब्यूटेड एक कोर्स है जो दीक्षा पर उपलब्ध है। अपार्ट फ्रॉम जो निष्ठा कोर्सेज है वो तो है ही। नेक्स्ट, ये स्वयं का प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट है, सो वी हैव हैड एनफ डिस्कशंस ऑन स्वयं। नेक्स्ट प्लीज, ये आईसीटी करिकुलम का जो मैंने बताया मूडल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है वो स्क्रीनशॉट है, तो ictcurriculum.gov.in URL के माध्यम से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कोर्स को देख सकते हैं यहाँ क्या है। नेक्स्ट प्लीज, ये एक लिस्ट है जो ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ईटी और आईसीटी के लिए हम लोगों ने की है, जिसमें 16 ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की जा चुकी हैं, 650 प्लस वेबिनार्स और 150,000 प्लस बेनिफिशियरीज हैं जो इन एरियाज में जो यहाँ लिस्टेड हैं उन पे ट्रेनिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ये ई पाठशाला मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पर कितने विजिटर्स आ चुके हैं, और ये उमंग जो एक ऐप है उस पे भी ई पाठशाला को स्थान मिला है। नेक्स्ट, ये ब्रांडिंग ऑफ ई पाठशाला, ई पाठशाला के तहत और इतने सारे एप्स का निर्माण किया गया है जिसमें ई पाठशाला है, निष्ठा है, निष्ठा के मॉड्यूल्स ऐप पे भी उपलब्ध हैं, AR जो मैंने फिजिटल के बारे में एग्जांपल दिया था ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट एक्सेस करने के लिए, परक, इसके अलावा NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए, एक मॉरिशस के लिए ऐप का निर्माण किया गया था वो, इसके अलावा ई पाठशाला स्कैनर ऐप है जिससे हम स्कैन कर सकते हैं एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स के QR कोड्स, फिर NCF के लिए जो एक ऐप है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो अभी बन रहा है जिस पर लोग अपनी राय दे सकें, और एक प्रशस्त ऐप है जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के लिए है जिससे हमें डिसेबिलिटी जो बच्चे फेस कर रहे हैं उनके बारे में डेटा मिल सके, जो PWD एक्ट में 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं। इसके अलावा जो मैंने आपसे जिक्र किया था प्रज्ञाता गाइडलाइंस, ये उनके स्क्रीनशॉट हैं, गाइडलाइंस फॉर ई कंटेंट डेवलपमेंट एंड गाइडलाइन फॉर ई कंटेंट डेवलपमेंट फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ये साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की गाइडलाइंस हैं, ये सब भी आपको हमारी वेबसाइट पर आप उपलब्ध हैं जहां से हम देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो NCERT के हैं जिसमें मॉरिशस के लिए हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन किए हैं, स्कूल ऑनलाइन प्रोग्राम है जो इजराइल के साथ और इंडियन स्कूल्स के बीच एक कोलैबोरेशन का इनिशिएटिव है, नेपाल के मास्टर ट्रेनर्स हमने ट्रेन किए हैं, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं NCERT।
तो इसके अलावा कोरियन स्कूल्स के साथ भी एक कोलेबरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, प्लस उनके साथ एनसीईआरटी का एमओयू भी है ताकि एक दूसरे के अनुभवों से दोनों देश सीख सकें, जिसमें कोरिया की टेक्स्ट बुक्स में इंडिया के बारे में रिफ्लेक्शन है और अब जो नई हमारी टेक्स्ट बुक्स आएंगी उसमें कोरिया के बारे में हम जो रिफ्लेक्शन हैं वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट, भूटान के साथ ई कंटेंट भी एनसीईआरटी ने शेयर किया है। इसके अलावा ये कुछ और इनिशिएटिव्स हैं, सहयोग डीटीएच सपोर्ट फॉर टेली काउंसलिंग के लिए है, आईसीटी अवार्ड फॉर टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स जो हम चर्चा कर चुके हैं, ई कंटेंट डेवलपमेंट कॉम्पिटिशंस एंड आईसीटी फेयर, टॉक टू एनसीईआरटी ये वॉइस असिस्टेंस है, और मनोदर्पण आईवीआरएस बेस्ड 24/7 काउंसलिंग सपोर्ट जिसमें बच्चे फोन कर सकते हैं काउंसलर्स को और अपनी काउंसलिंग नीड्स को मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें ये एक समरी है, वी कैन स्किप दिस स्लाइड बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो एनसीईआरटी के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए 134 कंट्रीज से एनसीईआरटी को चुना गया था एक यूनेस्को अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। तो 2022 का जो यूनेस्को किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज, जो कि एक प्रेस्टीजियस प्राइज है जो सीआईटी को एज इंस्टीट्यूशन दिया गया फॉर द यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, सो दैट इज अनदर अचीवमेंट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट वी हैव डन। So that is all for this presentation. Thank you very much for patient hearing. We will share this presentation with you. We will update some data which is still need to be updated here on this slide and share this with you. Thank you very much. Agar koi questions hain, to hum chats mein se dekh sakte hain. थैंक यू इंदु मैम। अगर आपके अभी कोई क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स, तो आप चैट बॉक्स में प्लीज अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी लिख दें या अपना हैंड रेज करें। बाकी जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के लिए, तो हमारी सारी प्रेजेंटेशंस जितनी भी हमने की है और आप आगे करने वाले हैं वो सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो वेबसाइट का हम लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर लीजिए, तो सभी प्रेजेंटेशन वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। एक प्रश्न है डॉक्टर प्राची ने जो मुझे भी बताया कि हाउ टू डेवलप एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स, उसके लिए एक सेपरेट सेशन होगा आपका, आप शेड्यूल में देखें तो एक सेशन है कि कितने प्रकार की डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं और जिसमें एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स भी एक फॉर्म है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन है, तो इससे संबंधित प्रश्न आप वहां करें तो आपको उसके बारे में डिटेल्स जानकारी मिलेगी। ऑलरेडी डिटेल सेशन प्लान है तो मैं यहाँ एड्रेस नहीं कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। There is one more query, ma'am. One participant is asking about the ICT courses. They want to know about the ICT courses. I think we have discussed this in our PPT also. So if you want to throw some light on it. ये आप देख लीजिएगा ICT courses के बारे में जो presentation है उसकी last slide में listed है जो ET और ICT related training program किए जा सके हैं और जो एक निरंतर हमारा फीचर भी है, निरंतर ये ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है और इसका भी जो पेज है उसका आप इनसे वो शेयर कर लीजिए लिंक,
ताकि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोर्स एक बार हो गया तो हो गया खत्म, वो यूट्यूब के हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है एनसीईआरटी ऑफिशियल पर। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर एक डेडिकेटेड पेज भी है जिसमें जितने भी ट्रेनिंग अब तक हो चुकी हैं उन सब के सारे रिसोर्सेस लेक्चर्स वो उपलब्ध हैं। तो हम आपसे लिंक शेयर कर लेते हैं ताकि आप उनको सुनना चाहें जो ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो वो खत्म नहीं हुई है। डिजिटल का यही फायदा है, तो डिजिटली अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हैं उनको और उनसे लाभ उठा सकते हैं। अभी मैं आपके साथ दो और सेशन में आज रहूंगी, ये तो प्रोफेसर बेहरा को लेना था, सिंस ही इज बिजी तो आई हैव टेकन हिज सेशन। देयर आर टू मोर सेशंस व्हिच आई विल टेक, सो मे बी द क्वेरीज मोर क्वेरीज वी कैन टेक अप देयर। अभी आप लोग के टी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, ठीक है? मैं थ्रू आउट आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू। So now I request Dr. Monica to share the quiz with the participants. Monica ma'am, वो आप quiz share कर दें और जो आपके registration से को लेकर जो query है, जो doubt है, वो अभी हम tea break पे भी देख लेंगे। तो quiz के बाद हम tea break के लिए जाएंगे। Yes, Monica ma'am. Thank you, Gulshan ma'am. So dear participants, I am sharing my screen. Please. Once you see the screen, you will find out a link you can see on your screens, joinmyquiz.com. Go to your browser, any browser like Chrome or Mozilla Firefox, anywhere you can just type joinmyquiz.com. Once you join the quiz, then you will be asked to enter a code. So enter this code 074875. The first is joinmyquiz.com. First, you enter this on your browser and then you will be asked to put a code. आप लोग ये कोड उसमें एंटर करें 074875. जब आप ये कोड एंटर करेंगे तो आप एक क्विज पेज पे, यहाँ पे आप लोगों का नंबर मुझे नजर आएगा, आप सबको भी दिखेगा मेरी स्क्रीन पे कितने लोग ज्वाइन किए अभी। वन पर्सन ऑलरेडी हैज ज्वाइन। सो वंस यू ज्वाइन देन वी विल स्टार्ट द क्विज। आप लोग पैरेलली भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक चैट में भी डाल देती हूँ जिससे आपको सिंपली क्लिक करने पर भी आप एक्सेस कर पाएंगे। मैंने अभी चैट पे डाला है लिंक, आप प्लीज और कोई मैसेज ना डाल के उस लिंक को क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप उस पेज पे आ जाएंगे। हमारे पास मीटिंग में अप्रोक्सीमेटली 200 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हैं, तो मैं देखूंगी अगर जैसे ही 100 ज्वाइन कर लेंगे वी विल स्टार्ट द क्विज, बाकी लोग साथ साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर जल्दी करेंगे तो आप लोग टी ब्रेक के लिए जल्दी जा पाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर नंबर बढ़ता हुआ मेरे। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए पूजा जी। मैम एक्चुअली मुझे इमरजेंसी में स्कूल से निकलना पड़ा, एक्चुअली मैम आई एम ड्राइविंग टू समवेयर। तो क्या ये बाद में कर सकते हैं इस चीज को? अभी तो मैम ये विद इन 10-15 मिनट हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे इसको ना। हाँ, अभी तो हम क्लोज कर देंगे 10-15 मिनट के बाद। हेलो मैम, एक्चुअली मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, मुझे अपने डॉटर को स्कूल जाना पड़ रहा है अचानक से, तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी ये ना। ठीक है मैम, एज सो नाउ आई एम वी कैन सी मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स हैव जॉइंड, सो आई एम स्टार्टिंग द क्विज। अदर पार्टिसिपेंट्स कैन कीप जॉइनिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। हेलो, हां मैम। हेलो हेलो मैम। हां जी बोलिए सर। मैम ये मैं जब joinmy.com पे जा रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी आ रही लिंक, एक और स्टूडेंट्स के लिए आ जा रहा है, फिर उसके बाद नीचे आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अपना आवाज बढ़ा के प्लीज। हेलो हेलो हेलो, हां जी बोलिए सर। मैम प्लीज रिपीट द प्रोसेस सर, मेरे को इशू के कारण समझ नहीं आ रहा। हेलो, हां जी बोलिए सर। हेलो
मैम प्लीज रिपीट. क्या रिपीट करूं सर? एक लिंक चैट बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक को प्लीज आप क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो चैट क्विज में पहुंच जाएंगे. जी मैम जी. ओके मैम थैंक यू. चैट में अभी और कोई मैसेज मत डालिए 5 मिनट के लिए. सभी से रिक्वेस्ट है ये जो लिंक है quizzes.com इसको आप क्लिक करिए और आप सभी जो है यू विल बी एबल टू ज्वाइन द क्विज. Thank you.
I'm given it on your own screen so that everybody can join in. Thank you.